हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंटेंट। सो गाइस, अभी बज रहे होंगे सुबह के 9 या 9:30, और यहाँ पर अद्विक माही चले गए थे स्कूल और मैं यहाँ पर बेड ठीक कर रही हूँ, क्योंकि अद्विक और माही जब स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही मुझे घर का काम करने के लिए टाइम मिलता है, और इसके बाद ही मैं क्लीनिंग करती हूँ घर की। तो इसी तरह से मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि ना बेड ठीक करना ना मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क होता है, क्योंकि ये जो मेरी मैट्रेस है इतना ज़्यादा हीवी है कि आपको क्या बताऊँ। मतलब मुझसे उठाया ही नहीं जाता है, ऊपर भी उठाया नहीं जाता है, इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती हूँ मैं ये बेड ठीक करने के लिए, बेडशीट ठीक करने के लिए। इसी वजह से मैं पूरी बेडशीट तो कभी नहीं निकालती हूँ। आपने देखा भी होगा बहुत सारे व्लॉग में मेरे, बहुत बार देखा होगा आपने कि मैं पूरी बेडशीट नहीं निकालती हूँ। जब मुझे चेंज करनी होती है बेडशीट तभी मैं पूरी बेडशीट निकालती हूँ, अदरवाइज अगर मुझे ठीक करनी होती है ना तो ऐसे ही मैं ठीक करती हूँ, इसी तरह से फंसाती हूँ इधर उधर से। वही मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क लगता है मुझे, और इसी तरह से वो प्लेन दिखना भी चाहिए और निकलनी भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह से मैं कंघी वगैरह लगा के या कुछ करके थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए बेड ठीक करना, बेडशीट ठीक करना। तो इसी तरह से मैं कर लेती हूँ कैसे तो भी करके, और यहाँ पर मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या बोलते हैं, झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ी बोल रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो उसके बाद मैं ना क्या करती हूँ, एक टाइम वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ। मैंने एक वीडियो में ना शाम के टाइम में झाड़ू यूज़ किया था, तो उसमें कुछ मुझे कमेंट आए थे कि आपका वैक्यूम क्लीनर कहाँ गया है। तो डियर, मैं यहाँ पर ही क्लियर कर देती हूँ, मैं ना एक ही टाइम पे वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि दो दो तीन तीन टाइम में मुझे ये थोड़ा सा झंझट लगता है इधर उधर से। मतलब सुबह क्या क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी बारीक धूल मिट्टी होती है कि जो मुझे निकालनी होती है, इसी वजह से मैं सुबह वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ और सुबह पूरा क्लीन कर लेती हूँ, फिर शाम को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अद्विक वगैरह ये थोड़ा सा गंदा करता है, तो अद्विक की वजह से बार बार मुझे झाड़ू मारना पड़ता है, तो मैं झाड़ू से ही करती हूँ। फिर इधर यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। तो वैक्यूम क्लीनर से अगर आप क्लीन करते हो ना तो बारीक बारीक धूल मिट्टी भी निकल जाती है आपकी, तो बाद में पोछा मारने से ना तो जल्दी से पोछा लग जाता है आपका, तो इसी वजह से, और ये मॉप से तो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मेरा जो खाना बनाना था तो मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था, ब्रेकफास्ट करके ये चले गए थे, उसके बाद ये आ गए थे ना, तो उसके बाद मैंने मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, क्योंकि अद्विक ने बीच में परेशान किया, उसके साथ मुझे सोना पड़ा, उसको सुलाना पड़ा, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा वो हो गया था, मतलब लेट हो गया था खाना बनाने में। तो ये आ गए थे, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने लग गई थी, तो फिर ना मतलब वो भी मुझे हेल्प करने लग गए थे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर बना रही हूँ मिक्स वेज। तो यहाँ पर मैंने जीरा और राई डाल दी है तेल में, और यहाँ पर प्याज डाल रही हूँ, और ना कड़ी पत्ता इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब किसी भी चीज़ में पसंद है, जिसकी वजह से हमने पौधा ही लगाया है कड़ी पत्ते का। मतलब छोटा ही है अभी कड़ी पत्ते का पौधा, क्योंकि हमने पहले जो लगाया था कड़ी पत्ते का पौधा वो जल गया था, हमारा बड़ा हो गया था बहुत अच्छे से, तो वो जल गया था, इसी वजह से अभी छोटा पौधा लाया है। तो वो उसमें से ही तोड़ के लेके आते हैं और मुझे देते हैं, तो याद दिलाते हैं मुझे करके कि कड़ी पत्ता डालना है। तो यहाँ पर वो थोड़ी सी चॉपिंग भी मुझे करके दे रहे हैं, तो क्योंकि जल्दी जल्दी से होना चाहिए इसी वजह से। और यहाँ पर मैं प्याज में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने, और वो मैं अच्छे से चला लूँगी उसे, ताकि उसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए और उसका जो टेस्ट है उसमें आ जाए तेल में। उसके बाद हल्दी और नमक मिर्च सारा कुछ, मतलब नमक में चाट कर दिए है, धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, हल्दी ऐड कर दी है, और उसमें मैंने मतलब वो ऐड कर दिया है, टमाटर ऐड कर दिया है, सॉरी नमक अभी ऐड किया है। और उसके बाद टमाटर ना अच्छे से गल जाता है नमक ऐड करने के बाद, उसमें फिर मैंने मटर भी ऐड कर दिए है टमाटर गलने के बाद, और मटर भी चला लिए है अच्छे से। और उसके बाद ना जो आलू और गोभी जो है वो मैं डाल दूंगी, तो इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ ड्राई वाली। तो इसी तरह से मैं अभी ये डाल दूंगी और अच्छे से चला लूँगी उसे। उसके बाद मैं थोड़ा सा जो गोड़ा मसाला होता है वो हमारे यहाँ पे मिलता है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो गोड़ा मसाला हम लोग को खुला लाते हैं, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और वो थोड़ा सा यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं गरम मसाला यूज़ करती हूँ, तो वहाँ वो ना मैं एवरेस्ट का यूज़ करती हूँ गरम मसाला। तो गरम मसाला ना अभी है ये न्यू ही लाया था मैंने पैकेट, तो वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा गरम मसाला पहले का ख़त्म हो गया था, तो ये एवरेस्ट मसाला यूज़ करती हूँ उसके बाद, क्योंकि इसकी मुझे टेस्ट बहुत ही अच्छा मतलब अच्छी लगती है, इससे जो टेस्ट आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से मैं उसे मिक्स कर लूँ, उस पर फिर ढक्कन रख के उसे स्टीम ले लूँगी। तो बस ये ख़त्म हो गया। और यहाँ पर ना आपको पता ही है कि मैं इस तरह से मसाले जो है वो एक कंटेनर में भर के रखती हूँ।
तो मुझे इजी जाता है लेने में। उसके बाद मैं यहाँ पर आटा भिगो रही हूँ, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ पहले आटे में, और उसके बाद मैं आटा भिगो लेती हूँ। तो किसी ने मुझे बोला था कि मैं जो जार लाई हूँ, मतलब जो जार मैं यूज़ करती हूँ, तो वो प्लास्टिक का है। तो डियर, बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं घर में। आई नो मुझे प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें पता होता है कि प्लास्टिक की चीज़ें जो है वो बहुत हानिकारक होती है हमारे सेहत के लिए, बट ना कौन कौन सी चीज़ें हम ध्यान रखें। तो मैं ना जो चीज़ मैं जिसमें गर्म करती हूँ, ऐसी चीज़ें प्लास्टिक की नहीं यूज़ करती हूँ, ऐसी चीज़ें ग्लास की यूज़ करती हूँ, क्योंकि गर्म से वो प्लास्टिक पिघलने लगता है, तो वो हानिकारक होता है हमारे लिए। वैसे कोई भी प्लास्टिक अच्छा नहीं होता है आपकी सेहत के लिए, बट वो ना ग्लास की चीज़ें ना थोड़ा सा जल्दी तोड़ देता है, इसी वजह से मैं डरती हूँ इसी चीज़ों के लिए। तो इसी वजह से मैं ये वाले जार लेके आई हूँ, और कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अद्विक, तो मैं ग्लास वाला जार भी लेके आऊँगी। एक्चुअली मेरे पास ग्लास का जार है, बट वो ना मतलब मैं निकाल नहीं रही हूँ, बट दूसरा भी ग्लास का जार एक लेके आऊँगी, मैं आपको दिखा दूँगी बाद में। ग्लास का जार है मेरे पास ऑलरेडी, और यहाँ पर मैं सलाद बना रही हूँ, क्योंकि इनको सलाद बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो मसाला है, इसमें चाट मसाला, जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक, ऐसे मैंने मिला के रख दिया है एक कटोरी में। तो ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, इस तरह से छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस में सलाद काट लिया है, सारा ककड़ी वगैरह जो कुछ होता है तो वो मैंने यहाँ पर काट लिया था। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि सब्जी हुई या नहीं हुई, तो यहाँ पर मैं रोटी भी बना लूँगी। सलाद भी मैंने काट के रख दिया है यहाँ पर, सलाद बना के रख दिया है, उसके बाद अभी रोटी बना लूँगी। और कौन 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 इस तरह से रोटी बनाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो इस तरह से रोटी बनाती हूँ, और महाराष्ट्र में ऐसी रोटी बनाई जाती है बहुत जगह पे, क्योंकि मतलब बहुत जगह पे, मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ कि महाराष्ट्र में हर जगह पे ऐसी ही रोटी नहीं बनाते हैं, कोई कोई जगह पे फुलके भी बनाते हैं, बट मैं फुलके बनाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि इनको पसंद नहीं है। इसी वजह से फुलके बनाना इजी है, बट ऐसे रोटी को थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ऐसी रोटी मैं ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इनको जो फुलके हैं ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी वाली रोटी नरम भी रहती है और अच्छे से फूलती भी है, तो और बाद में अगर हम लोग यही रोटी शाम को खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम लोग बासी रोटी कोई खा रहे हैं। फुलके तो हम लोगों को जल्दी ही हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने कोई बासा खा रहे हैं, हम लोग 4-5 घंटे में ही वो ऐसे हो जाते हैं कि एकदम बासे जैसे। तो ये वाली रोटी ना बिल्कुल ऊपर से तेल वगैरह के लगा के हमें बनानी पड़ती है, तो अच्छे से वो बन जाती है। और बस इसी तरह से मैं रोटी बना लेती हूँ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे मतलब आप लोग कैसे रोटी बनाते हो। और बस इसी तरह से मैं यहाँ पर ना रोटियाँ बनाते बनाते याद आई कि दाल बनाना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं कुकर में दाल भी चढ़ा रही हूँ। और इस तरह से अगर आप दाल बनाते हो ना तो बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। तो मैं दाल बनाने के टाइम ही उसमें तेल डाल देती हूँ, थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, और नमक नहीं ऐड करती हूँ, नमक बाद में ऐड करती हूँ, और इसमें विजल लगा देती हूँ बहुत सारी, मतलब अच्छे से दाल गल जाए इतनी। और दाल मेरी बन चुकी थी, इस टाइम मेरी दाल बन चुकी थी, तो अभी मैं दाल को तड़का दे रही थी, और सारा खाना मेरा बन गया था, बस दाल को तड़का ही देना बाकी था। तो यहाँ पर मैं दाल को तड़का दे रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है पतीले में, और उसमें जीरा राई ऐड कर दूंगी, उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं मिर्च ऐड कर दूंगी, और उसमें अपना दाल जो है वो ऐड कर दूंगी। तो ऐसे मैं मेरे पास ये जो रवि है वो हैंड ब्लेंडर अभी मुझे लेना है, एक्चुअली हैंड ब्लेंडर मैंने लिया नहीं है, तो ये जो है तो वो मैं इसी से कर लेती हूँ। एक तो एक मेरे पास वो भी है, क्या बोलते हैं, तो उसे एल्युमिनियम की भी रवि है, तो उससे भी कर लेती हूँ कभी कभी, और इससे भी कर लेती हूँ। तो इससे मैं अभी ये कर ले रही हूँ, और उसमें अभी तड़का लगा के ये चॉपिंग कर दे रहे थे मुझे, क्योंकि मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, क्योंकि मेरा खाना नहीं बना था, और मैंने इनको बोला कि चॉपिंग कर दो सिर्फ मुझे, मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, तो ये मुझे चॉपिंग में बहुत हेल्प करते हैं, मतलब इनको चॉपिंग जल्दी जल्दी आती है, तो इसी वजह से ये कभी कभी चॉपिंग में हेल्प कर देते हैं जब घर पर रहते हैं। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि खाना बनाने के टाइम ये घर पर रहते हैं दोपहर में, या मतलब खाना खाने के टाइम भी हम कभी साथ में खाना नहीं खा पाते। दोपहर में आपने देखा होगा कि कभी मैंने आपको दिखाया नहीं है कि हम साथ में खाते हुए, हमने आपने नहीं देखा है मुझे। इस तरह से मैं सारे दाल डाल दूंगी, और उसमें फिर नमक ऐड कर दूंगी, और उसको थोड़ा सा बॉईल होने दूंगी, और बस हो गई मेरी दाल। और ना
हाँ मैं भूल गई हूँ कि हम कभी साथ में खाना नहीं खाते हैं दोपहर में, मतलब ऐसा चांस ही नहीं मिल पाता है। बहुत कम बार ऐसा टाइम मिलता है, मतलब मौका मिलता है कि हम लोग साथ में खाना खाते हैं, और आज ऐसा चांस आया था कि हम लोग साथ में खाना खा रहे थे इस दिन, तो इसी वजह से फिर ये मेरी हेल्प कर दे रहे थे। नहीं तो दोपहर में इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, लेट आते हैं, मतलब इससे तो मैं खाना खा लेती हूँ बच्चों के साथ, कभी खाना खा लेती हूँ, कभी अकेले खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सभी, माही भी स्कूल से आ गई थी इस टाइम, अद्विक भी मतलब उठा हुआ ही था, और ये भी तो बहुत लेट हो गया था, मुझे भी खाना खाने में बहुत लेट हो गया था क्योंकि ये ड्यूटी से आ गए थे। माही 3:30 बजे आती है स्कूल से, उसके बाद हमने 4 बजे खाना खाया था, तो बहुत लेट हो गया था खाना खाने में। और बस इसी तरह से मैं अभी सर्व कर दूंगी, आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए, हम भी खा रहे हैं अभी। और माही भी स्कूल से आने के बाद अकेली खाती है, बहुत बार ऐसे ही होता है कि माही स्कूल से आने के बाद अकेली खाती है, वो अकेले खाते हैं और मैं अकेली खाती हूँ, तो मैं और अद्विक साथ में खाना खा लेते हैं, बट हमें ऐसा कभी मौका नहीं मिलता है कि हम लोग दोपहर में साथ में खाना खा ले, बट आज ऐसा चांस बहुत दिनों के बाद आया था तो हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं, तो मुझे भी खुशी हो रही थी आज कि चलो, मैंने इनको बोला भी कि चलो कितने दिनों के बाद हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं, बट शाम को हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं, शाम का मिस नहीं होता है हमारा। शाम को बहुत बार मैं भी होती हूँ, मतलब हम सब होते हैं, कभी कभी श्रीकांत भी होता है, तो इसी वजह से हम लोग बहुत बार खाना खा लेते हैं साथ में ही। यहाँ पर हम लोगों का खाना हो चुका था, खाना खा लिया था हम लोगों ने, उसके बाद यहाँ पर मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है, मतलब जब भी हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद मैं जल्दी से बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मतलब क्या होता है कि अगर बर्तन उस टाइम पड़े रहते हैं तो फिर बाद में पड़े रहते हैं, फिर रात का खाना जब खाते हैं तो बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं, तो इसी वजह से फिर मैं उस टाइम ही बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, जो भी बर्तन रहते हैं, और उसी टाइम जो किचन है वो भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जब मैं रात को खाना बनाऊँ तो उस टाइम मुझे बर्तन या सारा कुछ क्लीन क्लीन दिखे। तो जब हमारा बर्तन या मतलब किचन क्लीन रहता है ना, तो हमें काम करने में भी मज़ा आता है, तो इसी तरह से मैं क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद ना हमें जाना है कहीं बाहर, तो उसके बाद बाहर जाएंगे। सो गाइज, अभी हम लोग निकले हैं डी मार्ट में जाने के लिए, और अद्विक के बर्थडे की शॉपिंग भी करनी है कुछ, है ना अद्विक? हाँ, अद्विक हमेशा कपड़ों के लिए ही रोते रहता है, तो इसी वजह से, और अभी जाएंगे और कुछ शॉपिंग करनी है, बाहर भी जाना है, दूसरा मतलब दूसरी जगह भी जाना है, वहाँ से भी कुछ शॉपिंग करनी है, तो आज अधिक के बर्थडे की शॉपिंग ही होगी और उसके बाद जाएंगे घर। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। गाइज, हम लोग घर पे आ गए थे, अब हम लोग जा रहे हैं और दोबारा मार्केट, क्योंकि जहाँ पर हमें जाना है ना वहाँ पर कार नहीं जाएगी, तो इसी वजह से वहाँ पर पार्किंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसी वजह से हम लोग ना बच्चों को श्रीकांत के पास घर पे छोड़ के दोनों 2 व्हीलर से जा रहे हैं, तो चलिए फिर जाके आती हूँ जल्दी से, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। कैसे हो गई हूँ मैं? गाइस, हम लोग आ गया है घर पे, अभी जैकेट रख देती हूँ, 1 मिनट। आ गया है घर पे, सारी जो शॉपिंग थी वो हमने कर ली है, फिर भी कुछ भूल गए तो चलिए फिर अभी इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ, और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और लिपस्टिक पूरी रिमूव हो गई है, और दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।